नमस्कार दोस्तों, NIUS के DLED कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रतिभा शर्मा आज आपसे विषय पत्र 503 के शीर्षक भाषा शिक्षण में पाठ योजनाओं की विविधता विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। भाषा शिक्षण में पाठ योजनाओं की विविधता को देखने के लिए हमें सर्वप्रथम यह देखना होगा कि भाषा शिक्षण में पाठों को कितने रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है, विषय वस्तु के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर, संरचना के आधार पर। भाषा में विषय वस्तु की विविधता होती है, पाठ की विविधता होती है। सर्वप्रथम पाठ की प्रकृति के आधार पर यदि हम पाठों की विविधता देखें, विषय वस्तु की विविधता को देखें, तो अनेक प्रकार के पाठ विषय वस्तु भाषा के अंतर्गत होती है। जैसे कथात्मक पाठ, जिसके अंतर्गत कहानी उपन्यास को सम्मिलित किया जा सकता है। इसी प्रकार से विवरणात्मक पाठ, जिसमें लेखक के द्वारा किन्हीं चीज़ों का विवरण दिया जाता है, जैसे संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृतांत इत्यादि। कुछ पाठ व्याख्यात्मक प्रकृति के होते हैं, जिनमें विषय वस्तु की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है, जैसे व्याकरण, समाचार इत्यादि। कुछ पाठों को तार्किक पाठों के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे आलेख, डायरी इत्यादि। इनको तार्किक पाठ कहने का तात्पर्य यह है कि इन पाठों में लेखक तर्क के आधार पर अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी लिखा गया वो सत्य है। इसी प्रकार से कुछ पाठ विचारात्मक प्रकृति के होते हैं, जैसे निबंध, जो गहन पाठ के अंतर्गत भी आते हैं। व्यावहारिक पाठ भी एक प्रकार का पाठ है जो भाषा के अंतर्गत शामिल है, जिसके अंतर्गत हम व्यावहारिक जीवन से संबंधित चीज़ों को लिखना, अभिव्यक्त करना सीखते हैं, जिनमें पत्र लेखन, निमंत्रण, ईमेल इत्यादि शामिल हैं। तो प्रकृति के आधार पर बहुत प्रकार के पाठ होते हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण में पाठ योजनाओं की भी विविधता हो सकती है, क्योंकि वो कहानी पढ़ा रहा है तो कहानी के अनुरूप पाठ योजना बनाएगा। अगर वो संस्मरण और रेखा चित्र पढ़ाएगा तो उसके अनुरूप उसे पाठ योजना बनानी होगी। व्याकरण, समाचार इत्यादि व्याख्यात्मक पाठ पढ़ाएगा तो उसे उसके अनुरूप पाठ योजना बनानी होगी। इस समस्त प्रकार के पाठ योजनाओं के लिए अलग प्रकार के उद्देश्य होंगे, अलग प्रकार की विधियाँ होंगी, अलग प्रकार की प्रविधियाँ होंगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा शिक्षण में क्योंकि पाठों की विविधता होती है, प्रकृति के आधार पर विविध प्रकार की विषय वस्तु होती है, तो इसलिए पाठ योजना का स्वरूप भी विविधता लिए होता है। दोस्तों, संरचना के आधार पर भी भाषा शिक्षण में अनेक प्रकार के पाठ हो सकते हैं, जिसमें मुख्यतः दो हैं, दैनिक पाठ योजना और इकाई पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना को हम अल्पकालीन पाठ योजना भी कह सकते हैं और इकाई पाठ योजना को हम दीर्घकालीन पाठ योजना भी कह सकते हैं। दैनिक पाठ योजना या अल्पकालीन पाठ योजना एक दिवस की योजना से संबंधित है, एक दिवस के पाठ से संबंधित है, जबकि इकाई पाठ योजना और दीर्घकालीन पाठ योजना एक से अधिक दिनों के लिए की जाने वाली योजना है, जिसमें पूरे एक अभ्यास को या एक पूरे अध्याय को अनेक इकाइयों में बांटकर पढ़ाया जाता है और इसमें एक दिन से ज़्यादा दिनों का समय लगता है। अल्पकालीन पाठ योजना के अंतर्गत हम पत्र लेखन, भाषण लेखन,
निमंत्रण, विज्ञापन, पोस्टर, ईमेल इत्यादि को शामिल कर सकते हैं। जबकि दीर्घकालीन पाठ योजना के अंतर्गत संवाद, साक्षात्कार, समीक्षा, अखबार के लेख, संपादकीय के साथ साथ निबंध और कहानी इत्यादि जैसे पाठों को भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, संरचना के आधार पर भी पाठों में विविधता पाई जाती है, तो इसलिए पाठ योजना का स्वरूप भी विविधता लिए होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है पाठों की विविधता का जो आधार है वो है उद्देश्य। अन्य विषयों की तरह भाषा शिक्षण भी एक से ज्यादा उद्देश्यों पर आधारित है। भाषा शिक्षण के तीन प्रमुख पक्ष होते हैं, भाषा का शिक्षण, साहित्य का शिक्षण और रचना कार्य का शिक्षण। तो इस दृष्टि से भाषा का शिक्षण में भी दो प्रमुख पक्ष हो जाते हैं, एक भाषा का शिक्षण यानी उसका ज्ञानात्मक पक्ष और एक उसका कौशल पक्ष यानी व्याकरण। तो भाषा विज्ञान और व्याकरण भाषा शिक्षण के दो अलग पक्ष हो जाते हैं। साहित्य में भी पाठों में अनेक विविधता पाई जाती है, अनेक प्रकार की विविधताएं होती हैं, तो इस दृष्टि से भी अलग अलग तरीके के पाठ होते हैं। उद्देश्यों के आधार पर भी पाठों में विविधता पाते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्रमुखता पर आधारित पाठ है या भाषाई कौशलों की प्रमुखता पर आधारित पाठ है या वो भावात्मक या रागात्मक उद्देश्यों की प्रमुखता पर आधारित पाठ हैं। तो उद्देश्यों के आधार पर भी पाठों की विविधता पाई जाती है, तो उसी के अनुरूप पाठ योजना में भी विविधता आ जाती है। जिन उद्देश्यों की प्रमुखता होती है उसी के अनुरूप शिक्षक को अपनी पाठ योजना का नियोजन करना होता है। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्यों पर आधारित पाठ योजना में शिक्षक को, यदि हम भाषा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो भाषिक तत्वों का ज्ञान जिसमें उच्चारण, वर्तनी, शब्द रूपांतरण, शब्द भेद, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास इत्यादि रूप से अनेक भाषिक तत्वों का ज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों को कराता है। साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान जिसमें निबंध, नाटक, कहानी, कविता, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृतांत, आत्मकथा, जीवनी, बहुत सारे विधाएं हो सकती हैं जिसका ज्ञान शिक्षक को कराना होता है। इसी प्रकार से तीसरा जो पक्ष है भाषा शिक्षण का, रचना कार्य के विविध रूपों का ज्ञान। रचना कार्य के अंतर्गत मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति का कौशल विकसित करना जिसमें सार लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन, आत्मकथा, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन इत्यादि बहुत सारे आयाम होते हैं जिनके माध्यम से विद्यार्थी के अंतर्गत रचना कौशल का विकास किया जा सकता है। तो विद्यार्थी यह देखना होता है शिक्षक को कि वो इनमें से, इन ज्ञानात्मक उद्देश्यों में से किन उद्देश्यों को प्रमुखता देगा, वो उसकी विषय वस्तु के स्वरूप पर भी निर्भर करता है। यदि उसकी विषय वस्तु भाषा विज्ञान से संबंधित है तो उसको भाषिक तत्वों का ज्ञान महत्व मुख्य रूप से देना होगा। यदि उसकी विषय वस्तु साहित्य की विविध विधाओं से संबंधित है तो उसको उस प्रकार के अनुरूप उद्देश्यों का निर्धारण करते हुए अपनी विधियों को का नियोजन करना होगा। और अगर उसकी विषय वस्तु या पाठ का उद्देश्य बच्चों को रचना कार्य के विविध रूपों का ज्ञान कराना है तो उसका उद्देश्य, उसकी शिक्षण विधि उसके अनुरूप होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि पाठ में किस प्रकार के उद्देश्यों को प्रमुखता दी जा रही है। यदि उसमें ज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्रमुखता दी जा रही है तो और ज्ञानात्मक उद्देश्यों में से भी किन, इन तीन पक्षों में से किस चीज़ को प्रमुखता दी जा रही है इसके ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, यह इससे हमको ये पता चलता है कि भाषा
का विषय क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है और उसमें पाठ योजना की बहुत अधिक विविधता होती है। भाषा शिक्षण का दूसरा प्रमुख उद्देश्य होता है कौशलात्मक उद्देश्य। भाषाई कौशल के अंतर्गत चार प्रमुख कौशलों का विकास किया जाता है, जिसमें पहला है विद्यार्थी का सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता, अर्थात विद्यार्थी में श्रवण कौशल का विकास करना। विद्यार्थी शिक्षक के द्वारा कही गई या किसी अन्य के द्वारा कही गई किसी बात को सुनकर उसका सही सही अर्थ ग्रहण कर सके, इस प्रकार की योग्यता का विकास करना। इसके लिए पृथक विधियां हैं, इसके लिए पृथक प्रविधियां हैं। शिक्षक को यह तय करना होता है कि वो किस प्रकार की विधि और प्रविधियों का प्रयोग करेगा। दूसरा कौशल जो भाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण होता है वो है पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता, अर्थात पठन कौशल। विद्यार्थी मौन पाठ या द्रुत पाठ को पढ़कर उसका अर्थ सही सही अर्थ ग्रहण कर सके, इसका प्रशिक्षण विद्यार्थियों को देना होता है, ज्ञान देना होता है, उनमें कौशल विकसित करना होता है। इसके लिए भी शिक्षक अलग अलग विधियों का प्रविधियों का प्रयोग करता है। तीसरा कौशल है वाचन कौशल, अर्थात बोल कर अभिव्यक्त करने की योग्यता। विद्यार्थी अपनी बात को अपने तरीके से बोलकर सही सही विधि से अभिव्यक्त कर सके, इस योग्यता का विकास करना भी शिक्षक का दायित्व होता है। तो भाषा शिक्षक का दायित्व इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि वो बच्चों में अपनी बात को कहने का कौशल विकसित कर सके। इसके लिए अनेक प्रकार की विधियां और प्रविधियों का इस्तेमाल शिक्षक करता है। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण कौशल जो है वो है लेखन कौशल। चार लेखन कौशल, अर्थात लिखकर अपनी बात को विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता। लेखन कौशल के अनेक आयाम होते हैं, उसके अनुरूप शिक्षक को अपनी विधियों को इस्तेमाल करना होता है, प्रविधियों को इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरीके से हम भाषा शिक्षण में पाठ योजना के कई स्वरूप हो सकते हैं। कौशलात्मक उद्देश्यों की दृष्टि से वो श्रवण कौशल पर आधारित पाठ योजना है, पठन कौशल पर आधारित पाठ योजना है, वाचन कौशल पर आधारित पाठ योजना है, या लेखन कौशल पर आधारित पाठ योजना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं कि भाषा शिक्षण में पाठ योजनाओं की विविधता होती है। भावात्मक उद्देश्यों की दृष्टि से भी भाषा शिक्षण में विविधता पाई जाती है। भाषा में छात्र की रुचि का विकास करना, जिस भाषा में पढ़ाया जा रहा है उस भाषा में रुचि का विकास करना, बालक में अपनी मातृभाषा के प्रति रुचि का विकास करना, बालक में अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति रुचि का विकास करना, बालक में अन्य आधुनिक भाषाओं के प्रति रुचि का विकास करना, इस तरीके से भावात्मक उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसके साथ साथ न केवल भाषा में बल्कि साहित्य में भी छात्रों की रुचि विकसित हो सके। दोस्तों हम प्रायः देखते हैं आज के बालक बालिका साहित्य अध्ययन में रुचि नहीं रखते, बुक रीडिंग में रुचि नहीं रखते, वो निरंतर इंटरनेट या अन्य माध्यमों से सारे ज्ञान को खोज लेना चाहते हैं। और यही कारण है कि बच्चों में बुक रीडिंग की पुस्तक अध्ययन की रुचि कम होती जा रही है, और इसका परिणाम है बच्चे साहित्य में रुचि नहीं ले रहे हैं। तो उनकी इस अरुचि को किस प्रकार से शिक्षक रुचि में परिवर्तित करे कि बच्चे साहित्य के अध्ययन में पर्याप्त रुचि लें, अपने देश के साहित्य में, अपनी भाषा के साहित्य में रुचि लें, और न केवल अपनी भाषा बल्कि विदेशी साहित्य में जो अच्छा साहित्य है, जो सृजनात्मक साहित्य है, रचनात्मक साहित्य है, उसके अध्ययन में भी रुचि ले सकें, इसका भी विकास उसको करना होता है। इसके साथ साथ भाषा के माध्यम से, भाषा शिक्षण के माध्यम से अध्यापक को
अनेक प्रकार की सद्वृत्तियों का भी विकास करना होता है जो भाषा शिक्षण का भावात्मक उद्देश्य है। ये सद्वृत्तियाँ अपने साहित्य के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम, उनमें सहृदयता, संवेदनशीलता, श्रद्धा, स्नेह, अनेक प्रकार के मानवीय मूल्यों का विकास, अनेक प्रकार के सामाजिक मूल्यों का विकास, नैतिक मूल्यों का विकास, नागरिक मूल्यों का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास, इन समस्त सद्वृत्तियों का विकास करना भाषा शिक्षण के भावात्मक उद्देश्यों पर आधारित है। तो अध्यापक को अपनी पाठ योजना का निर्धारण करने से पहले या पाठ योजना का निर्धारण करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि वो किस प्रकार से बालक में सद्वृत्तियों का विकास कर सकता है। तो अगर उसका उद्देश्य साहित्य, छात्रों में साहित्य प्रेम जागृत करना है, तो वो उस प्रकार से अपनी पाठ योजना की विषय वस्तु तय करेगा और उसी प्रकार से अपनी शिक्षण विधियों का भी निर्धारण करेगा। देश प्रेम के लिए वो उस प्रकार से अपनी विषय वस्तु का चयन करके और छात्रों में उस प्रवृत्ति को जागृत करने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, भावात्मक उद्देश्यों पर आधारित यदि पाठ योजना है तो उसमें भी शिक्षक को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है और उसी के अनुरूप अपनी पाठ योजना को दिशा निर्देश देना होता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि किस प्रकार से भाषा शिक्षण में पाठ योजनाओं की विविधता है। अनेक प्रकार की पाठ योजनाएं यहाँ हो सकती हैं। पाठों के अनुरूप हम ये देखते हैं, कविता शिक्षण की पाठ योजना, निबंध शिक्षण की पाठ योजना, पठन कौशल शिक्षण की पाठ योजना, लेखन कौशल शिक्षण की पाठ योजना, और इसी प्रकार से अगर रचना कार्य शिक्षण है, अनेक प्रकार की रचना, पत्र लेखन, निबंध लेखन, कविता लेखन, ईमेल, विज्ञापन, अनेक प्रकार के रचनात्मक कार्य हो सकते हैं, तो उसकी पाठ योजना। और तो और दोस्तों, मुहावरे और लोकोक्ति का शिक्षण देने की भी पाठ योजना हो सकती है और शिक्षक उसके ऊपर कार्य कर सकता है यदि विद्यार्थियों को मुहावरे और लोकोक्तियों का ज्ञान देना है उसको विशिष्ट रूप से। इसी प्रकार वर्तनी शिक्षण के लिए वो पृथक प्रकार की पाठ योजना, कहानी शिक्षण के लिए पृथक प्रकार की, और नाटक और उच्चारण शिक्षण के लिए पृथक प्रकार की पाठ योजना का इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि विषय वस्तु की दृष्टि से, उद्देश्यों की दृष्टि से, पाठ की प्रकृति की दृष्टि से, पाठ की संरचना की दृष्टि से भाषा शिक्षण में पाठ योजनाओं की विविधता होती है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगली कक्षा में फिर मिलने तक आपको नमस्कार।